2 अप्रैल दिन शनिवार, सभी सुनने वालों को गरिमा श्रीवास्तव का नमस्कार। ये पॉडकास्ट अब से कुछ समय पहले ही रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सिटी बस में घूमना एक बार फिर हुआ महंगा। BCLL ने 15% किराए में की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में लगातार जनता के ऊपर महंगाई की पड़ रही मार। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का असर सागर की महिलाओं पर। शराब की दुकानों पर जमकर की तोड़फोड़, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उमा भारती ने ट्वीट कर सरकार से किया सवाल, कहा दिल्ली और छत्तीसगढ़ में BJP जब शराब का कर रही विरोध, तो फिर मध्य प्रदेश में शराब का समर्थन क्यों। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर थे, लेकिन आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ाए दाम, जिसके तहत पेट्रोल डीजल की कीमतें 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई। तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7 रुपए से ज्यादा का किया इजाफा। पिछले 4 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम थे स्थिर, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पिछले 10 से 15 दिनों में कीमतें लगातार बढ़ी। पेट्रोल डीजल गैस बिजली के बाद अब एक बार फिर से दूध के दामों में किया गया इजाफा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में दूध के दामों में 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी, जिसके बाद अब जिले में दूध के दाम 62 रुपए प्रति लीटर हुए। यूपी बोर्ड इंटर अंग्रेजी के पेपर लीक के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बढ़ाई सख्ती। आगरा के 7 कॉलेज रडार पर। विभाग ने प्रशासन को सौंपी केंद्रों की सूची, समय से पहले पेपर खोलने वालों पर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने शुक्रवार शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। लावरोव ने यूक्रेन में चल रही शांति वार्ता के बारे में दी जानकारी। पीएम मोदी ने की हिंसा खत्म करने की अपील। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही, और सुनने के लिए लोक नीति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook, Instagram, Twitter को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।